हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो मैं आज ना और अभी सुबह की शुरुआत हुई है मेरी दस बजे से क्योंकि मैं आज लेट उठी हूँ और रात में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो नींद नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम तक के तो लेट सोई हूँ और लेट ही उठी हूँ और लेट उठने के बाद मैं मुझे घर के सारे काम भी करना है तो मैं सारे काम लेट लेट ना हो इस वजह मुझे कामों को मतलब प्लानिंग करना पड़ेगा काम कैसे मतलब कि कौन सा काम पहले करूँ कौन सा काम बाद में करूँ इस वजह से तो सबसे पहले इनका जो है ड्यूटी है तो इस वजह से मुझे ना खाना वाना बनाना पड़ेगा क्योंकि जो है आ, लेट हो जाएगा खाना बनाने में अगर मैं सारे काम पहले करूँ और खाना बाद में बनाऊँ तो तो पहले सबसे पहले मैंने ना फ्रेश हो गई थी उठने के बाद में और मैंने आज नाश्ता नहीं मतलब चाय बिस्किट खा लिया था और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बैठी मैं उसके बाद में काम को स्टार्ट किया है तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ खाने में मुझे एकदम सिंपल सा खाना बनाना है बिना प्याज का और अदरक लहसुन का तो बस मैं वही बना लेती हूँ अभी और यहाँ पर देखिए मैंने बना लिया है खाना अभी खाना मतलब मैंने सब्जी बना लिया है चावल भी रख दिया है साइड में अभी आटा भिगो रही हूँ आटा भिगोने के बाद में जो है मैं रोटियाँ फटाफट से बनाऊँगी और जब खाने का काम हो जाए ना बनाने का तो फिर टेंशन फ्री होता है इंसान क्योंकि जो है इनको मतलब शिफ्ट वाइज़ अगर ड्यूटी होना तो इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है तो बस अब मैं जो है मैंने रात में ना डोसा वाला भी भिगो कर रखा था तो मैंने रात में फिर पीस कर भी रख दिया तो अभी मैं लेट होने की वजह से मैं वो नहीं बना पाई तो अभी मैं उसे शाम को ही बनाऊँगी तो वो भी जो है मैं साइड में ही रखा हुआ है तो मैं उसमें अभी कुछ भी नहीं डालूँगी और अभी वो ज़्यादा मतलब खट्टा भी नहीं हुआ है तो अभी देखिए दोपहर का टाइम हो दोपहर का टाइम नहीं मैंने काम होने के बाद में मैंने नहा धो लिया था सब कुछ फ्रेश हो गई थी अच्छे से सारे काम करके फिर अभी पाँच बजे साढ़े चार पाँच बज रहे थे तो उस टाइम मैं यहाँ पे ना डोसे के लिए जो है आलू की चटनी बना लेती हूँ और फिर तो डोसे के बैटर में ना नमक वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है ना ही मैंने संभार वगैरह कुछ बनाया है सिर्फ आलू की चटनी ही बनाऊंगी और डोसा तो हो जाएगा क्योंकि खाने वाले तो हम लोग तीन ही है तो क्या मुझ कभी कभी होता है ना खाने वाले मतलब ऐसा मतलब सब पूरे फैमिली साथ में बैठकर खाए तो अच्छा लगता है एक अलग खाए दूसरा अलग खाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता इस वजह से मन भी नहीं करता कुछ बनाने का तो मैंने काफ़ी दिनों से मतलब मेरा मन था कि बनाऊंगी तो मैंने आज यहाँ पर बनाऊंगी आज मैं डूसा और ये डूसा भी ना बिना डोसे के तवा का बनाऊँगी मैं आप देखिएगा एक भी ना चिपकेगा भी नहीं तवे में बहुत आसानी से निकलता है और बहुत कभी कभी ना ऐसा होता है कि रोटियों वाले तवे में पर मनाओ ना तो बनते नहीं बट ना मैं बनाती हूँ ना बहुत अच्छे से बन जाते हैं और बहुत अच्छे से निकलते आप देखिएगा ज़रूर और इसको बना मतलब ऐसे चिपकने नहीं चाहिए ना इसके लिए क्या करना चाहिए ना पहले ही ऑयल लगा लेना तवे को जब वो ठंडा रहता है और फिर उसको जो है पानी छिड़क देना और फिर उसको क्लीन करना एक कपड़े से कुछ मैंने वैसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा पहले से ही ऑयली है तो इस वजह से मैंने ना इसे बस थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और मेरे तवे में ना बनते भी है जब मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर घसूँगी ना तब मैं मुश्किल से बन पाते हैं यहाँ पर बट अभी ना ये ऑयली ही है तो इस वजह से कोई तकलीफ मुझे नहीं फेस करना पड़ता है और डोसा वाला तवा भी है बट उसमें ना मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं बन पाते उस पर और यहाँ पर बड़ी आसानी से बन जाते हैं हाँ छोटे बनते हैं पर बड़ी आसानी से बन जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर हम बनाए और टूटते जाए टूटते जाए ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो सब और बनाने का मन भी उठ जाता है तो हम बहुत आसानी से बनते हैं यहाँ पर रोटी वाले तवे में तो मैं यहाँ पर फिलहाल मैं तीन डोसा ही बनाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तो ज़्यादा नहीं खाएगा एक आध खाएगा और फिर मैं दो खा लूँगी तो इस और फिर इसके पापा जब आएंगे ना तो तब मैं उनको भी बना कर दूँगी या फिर मैं कल बना कर दूँगी वैसे वैसे भी ना ये बैटर जो है ना अभी खट्टा नहीं हुआ है तो ये थोड़ा सा खट्टा हो जाए ना तब ना दोसा एकदम होटल वाले जैसा लगता है तो ये खट्टा हो जाएगा तब भी अच्छा लगेगा खाने में तो बस यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि कितने सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और कितने आसानी से निकल रहा है आप देख सकते हैं ना यहाँ पर बहुत आसानी से निकल रहा है और इसी तरीके से हम बनाए ना तो हमें फटाफट बन भी जाते हैं और हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है तो देखिए बहुत अच्छे से बन गए और मैंने आलू की जो चटनी है ना वो थोड़ी थोड़ी ही यहाँ पर ऐड की है ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि ज़्यादा सब्जी हमें लगती नहीं है तो बस और इस तरीके से बन गए हो गया है अभी शाम का समय तो यहाँ पर ना जो मैंने कल पत्ती पत्ते लाए थे अड़ू के पत्ते तो इनका ना मुझे बड़ी बनानी है तो बस मैं इसके लिए जो है बेसन और आटा ले लिया जैसे कि मुझे बिना अदरक लहसुन के बनाने हैं बिना प्याज के तो यहाँ पर मैं सिर्फ मसाले ही ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करूँगी जबकि वो जाता है बट मैं नहीं डालूँगी तो यहाँ पर जो है लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और नमक मैंने और थोड़ा सा मसाला यहाँ पे डाला हुआ है तो अभी मैं यहाँ पर जो है बड़ी बना लेती हूँ फटाफट से और फिर जो है मैं इन्हें उबालने के लिए रख दूँगी तो बस इस तरीके से मैं ये बड़ी और आज का दिन जो है मेरा ऐसा गया कि मतलब जब हो ना कि तबीयत अच्छी ना लगे ना तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है तो वही होता है मेरे साथ भी बट अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि घर पे हमारी तबीयत कैसी भी हो चाहे कुछ भी हो सारे काम हमें करना ही पड़ता है नहीं तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ जाते हैं रह जाते हैं वैसे के वैसे ही तो वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है घर के सारे काम एक औरत के ऊपर ही डिपेंड होते हैं क्योंकि जो है ना हाउस वाइफ के साथ कोई नहीं होता है हेल्प करने को तो हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं बट उतना भी नहीं कर पाते हैं ना कि हम मतलब पूरा दिन आराम करके बैठ पाए तो ऐसा नहीं होता है तो हमें ही करना पड़ता है सारे काम इसलिए चाहे कैसी भी हालत हो कर ही ले पड़ता है तो यहाँ पर देखिए सारी बढ़िया बनाकर रेडी कर दी मैंने और जो है गंज में पानी ले लिया है मैंने और यहाँ पर जो है एक चाड़ी जो है ऑयल डाल दिया है अब मैं इसे खड़े खड़े से रख दूँगी और पकने के लिए रख दूंगी सो तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पकने के लिए और जो है सुबह इन्होंने थोड़ा सा एक भिंडी और थोड़े से टमाटर लाए थे तो उनको भी मैं फ्रिज में निकाल कर रख दे रही हूँ क्योंकि जो है जल्दी जल्दी में लाए थे ना तो